गणेश का पूरा वायरल हो गया। 2 साल से गणेश मोहतरम या गणेश का फेस्टिवल हैदराबाद में बनाने नहीं सक रहे। अभी कोरोना कम होने की वजह से ये साल अच्छा बना रहे। अभी पूरा खाने के साथ अभी बाहर आए तो रात के 12 बजे, लेकिन गणेश का टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पहले बाहर आ सकते हैं। तो 12 बजे ही घर के अंदर चले जाते, घर के अंदर बैठना पड़ता। ये एक ही फेस्टिवल है हैदराबाद का जो बहुत ज्यादा, यही जो फेस्टिवल है जो हैदराबाद का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, एंड लोग फैमिली के साथ बाहर आके एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रेडी ये हैदराबाद बचपन से टैंक बंड में कर रहे। हमारा मेंटालिटी है यहाँ निमज्जन करो तो भगवान हमारे को आशीर्वाद देता बोल के बचपन से यहाँ ही कर रहे निमज्जन। सो ये मैं ये बोलता हूँ जो यहाँ करे उनको फूलो फलो जो भी हुआ भगवान ने अच्छा होता। अब मैं बोल रहा हूँ 50 साल हो रहा तो हमारे पप्पा के पप्पा पूरे यहीं आके निमज्जन करते, तो हम भी यहीं आके निमज्जन कर रहे। तो भगवान की दुआ से जो भी हो रहा अच्छा के लिए हो रहा। कोरोना आप ये सोच रहे मगर कोरोना की वजह से पूरा ठीक हो जा रहा। कोरोना यहाँ हैदराबाद से भाग जा रहा। तो जय बोलो गणेश महाराज की। नहीं भाई साहब, कोरोना से वजह ये भी पहन रहे, ये भी लगा रहे, आ रहे, जो हमारा सेफ्टी हम कर रहे, निमज्जन कर रहे। तो ये मैं ये सोचता हूँ सब जने कोरोना की वजह से एवरीवन इज सेफ्टी मेंटेन कर रहे, गाइडलाइंस मेंटेन कर रहे, जो भी कर रहे अच्छा ही कर रहे। इससे पहले वो हंगामा अलग था, थोड़ा कम हुआ, मगर जो भी हुआ भगवान की दुआ से ठीक हो रहा। हम ये सोचते मूर्ति पंचमुख रुद्र महागणपति जो है ना पंचमुखों से स्टार्ट विग्रह प्रतिष्ठापन की है। ये जो है ना 1954 में 1 फीट में शंकराचार्य जी स्वतंत्र जयंती को ब्यूटी बढ़ाने के वास्ते ये फेस्टिवल स्टार्ट करा 1 फीट से। और हर साल 1 फीट से इस बार जो है ना हम 67th ईयर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जो इस बार में एक बार काम करता है कि हम इस मूर्ति को इसलिए बनाए कि बराबर जो है संसार को तब प्रसन्न करे, वो तो तब प्रसन्न करे कोरोना चल रहा है ना, और जो वर्ल्ड के पीपल जो है ना हैप्पी रहना हो सबसे जो है ना पंचम के रूप में वहाँ पर बनाए थे। और एक साइड जो है ना माता काली, और एक साइड जो है ना कृष्ण काली माता है। और भगवान के 5 मुखों में जो है ना 1-2 मुखा जो शिव पार्वती है, और एक मुख में महाविष्णु जी है, और एक मुख में ये 3 भगवान है। शर्मा जी कहने के ऊपर ये मूर्ति बना हुआ, ये मूर्ति को पूजा करो तो पब्लिक का जो है ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। और जो हम हर दिन पूजा कर रहे थे कोरोना चाहिए नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड में। ये कितने फीट का बना सर गणेश? ये जो है ना 60-70 फीट का गणेश की मूर्ति है। कितने फीट की? 40 फीट की गणेश की मूर्ति है ये प्रतिमा। जो इससे पहले जो है ना हम 2019 में जो है ना हम 60 फीट की मूर्ति बनाए थे। 2020 में कोरोना था, उस वजह से हम 11 फीट की मूर्ति बनाए। इस बार जो है ना अपने तेलंगाना सरकार जो है ना फेस्टिवल प्रोग्राम को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है, तो उस वजह से जो है ना हम लोग इस मूर्ति को हमारे तो तकरीबन 2 मंथ टाइम मिला, 2 मंथ में जो है ना हम 40 फीट की मूर्ति बना सके। थैंक यू। జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై। లాస్ట్ టైం వచ్చేసి మొత్తం కరోనా ఉంది, కానీ ఈసారి మాత్రం సో కేసెస్ కూడా చాలా రిడ్యూస్ అయ్యాయి కాబట్టి చాలా బాగుంది, అండ్ వి ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్
ఈ ఫ్యామిలీలో నేను కూడా ఇయర్ ఫస్ట్ టైం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో ఎగ్జైటెడ్ అండ్ చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా సేఫ్టీ మెజర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాము, అందరం శానిటైజింగ్ అండ్ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాము. యా ఇంకా యా థ్యాంక్ యూ. कोरोना इफेक्ट बहुत गिरा, लड्डू काउंटर भी ज्यादा सेल नहीं है, भक्ता भी ज्यादा नहीं है. कितने साल से लड्डू बेचते आप? हम 20 साल से लड्डू बेचते हैं. हमारा गणेश करें 2 साल से मात्र हमारा कारोबार भी बराबर नहीं है, पूरा कारोबार चलेगा, कोई भी नहीं आ रहे. कम से कम बड़े गणेश के 40 लाख आदमी आते थे, कम से कम 10-15 लाख आ रहे. अभी कोविड मतलब कोविड वाइज से बहुत डर रहे हैं. पूरा हमारा व्यापार पूरा लॉस हो गया. हर साल के मुकाबले में ये कम अच्छा थोड़ा 2019 तक अच्छा थोड़ा कमा लेते थे. 2020-2021 पूरा हम पूरा लॉस हो गया. 10 क्विंटल भी नहीं बेच सकते. इससे पहले हम 15-20 क्विंटल बेचते थे. मांगू हो रहा. रोज कितना बेचते आप अभी? अभी 2-3 क्विंटल जा रहा. अभी 2-3 क्विंटल. हाँ, हर साल हम कम से कम 4-5 क्विंटल बेचते थे. आपके आपके ये साल तो लास्ट ईयर 2020 आपके साल बहुत कम चल रहा. लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप. हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है. हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है. मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं. हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074-9339-8555-04-1120. हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप.